प्यारे बच्चे, तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैं बताया था कि इंग्लिश सीखने के लिए अक्षरों का ज्ञान होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद से बताया कि अक्षरों के बाद से शब्द निर्माण के बाद से मैंने बताया क्लॉज की जानकारी, फ्रेजेज की जानकारी, फिर बताया कि सेंटेंस। तो इतने स्टेप से होकर के गुजरना पड़ेगा, तब जा कर के आपको इंग्लिश आएगी। तो आज हम आपको देंगे उच्चारण पर आधारित शब्द। ये जो शब्द होंगे एक उच्चारण के हैं, दो भाग इसमें दिख रहा है। ए का अर्थ बताया गया है कि ए का उच्चारण ऐसे होगा, यहाँ पे बताया जा रहा है ए का उच्चारण आ से होगा। अब कहाँ ए लगाएंगे, कहाँ आ लगाएंगे, इन शब्दों को पहले पढ़ करके देखा जाए, ठीक है। तो इन शब्दों को जब दो चार, दस बार, बीस बार, सौ बार, पचास बार, वैसे बिना किसी उद्देश्य के आप इसको पढ़ डालें। जब इसको पढ़ेंगे तो आप उद्देश्य हो करें या ना करें, जहर खाएंगे, तो बिना किसी उद्देश्य के अगर जहर खाते हैं तो मरेंगे। अगर बिना उद्देश्य के आप काजू, किशमिश, बादाम खाते हैं, तब भी आपका, आपकी हेल्थ पे उसका असर पड़ेगा। सेम ऐसे ही धूप में रहेंगे तो पसीना आएगा ही। तो इसको बिना उद्देश्य के ही पढ़ डालें, लेकिन पढ़ने के पीछे एक लॉजिक ये होगा कि आप पढ़ेंगे तो एकदम श्योर है कि ये आपकी मेमोरी में बैठेगा किसी भी तरह से। तो आपका काम है इसको पढ़ना, जितने ज़्यादा मरतबा पढ़ेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा इसको पढ़ने के लिए। चलिए हम पढ़ करके इसको बताते हैं, फिर जब इस तरह के शब्दों का आपके पास नॉलेज हो जाएगा, फिर उसके बाद से मैं ट्रांसलेशन की ओर बढ़ूँगा। मुश्किल से चार पाँच या सात क्लास के बाद से ट्रांसलेशन आपका शुरू हो जाएगा। बहुत कम समय का वीडियो होगा, 10 से 12 मिनट का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, ये छोटे बच्चों से शुरू होता है, सी ए टी कैट, बी ए टी बैट। तो बी से शुरू है, बी ए टी बैट, सी ए टी कैट, एस ए टी सैट, आर ए टी रैट, सी ए पी कैप, एच ए टी हैट, एम ए टी मैट, एल ए पी लैप, सी ए पी कैप, एम ए पी मैप, पी ए डी बैट, सी एच ए टी, सी एच से च होता है चैट, ठीक है ना। फिर से यहाँ पे ध्यान देना बाबू, ये सी से को नहीं होगा, सॉरी को ही होगा यहाँ पे, को कैप, ठीक ना। तो सी के लिए ख्याल, खास ख्याल रखना, जैसे यहाँ पे भी सी का अर्थ को होगा, कई जगह सो होगा, ठीक ना। जब सी के बाद से ई आएगा, वाई आएगा, आई आएगा, तो इसका अर्थ, इसका उच्चारण सो होगा। नहीं तो यहाँ पे ए आएगा तो क्या होगा, को होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेम ऐसे ही एक शब्द और आ रहा है, कैच। कैच नहीं लिखे हैं क्या, नहीं लिखे हैं, तो लिख डाली यहाँ पे कैच, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सी ए टी सी एच कैच, बैच, बी ए टी सी एच बैच, है ना, पैच, पी ए टी सी एच पैच, ठीक है। तो ये शब्द बढ़ गए, तो अभी इसी के पीछे थोड़ा ना कोई पड़ा हुआ है कि बस इतना ही देखते रह जाए, ठीक ना। लेकिन फिलहाल में मेहनत किया गया है, इतना जुटाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नैग, हैग, वैग, कैन, पैन, मैन, टैन, वैन, बैन, फैन, बैड, फैड, फैड, हैड, डैड, कैप, नैप, कैश, गैस, गैस डबल एस रहेगा, गैस, लैस, लैश, कैश, लैप, डैश, क्लैप, फ्लैप, फ्लैप, क्लैप आप पढ़ेंगे इसको, क्लैप, फ्लैप, टैप, रैप, कैच, टी साइलेंट है, कैच नहीं, कैच, कैच, बैट्स नहीं, बैच, सी एस एच ओ आया आगे, पी ए टी सी एच पैट्स नहीं, पैच। अब इन शब्दों का अर्थ भी जानना जरूरी होगा। चलिए अर्थ के बारे में बाद में सोचिएगा, लेकिन फिलहाल में आप बैट मिस बल्ला, कैट मिस क्या जानते हैं बिल्ली, सेट मिस सीट का सेकेंड फॉर्म है सेट, नहीं अर्थ इसका जानिए बैठा, इस तरह से निकले, रेड चूहा, कैप टोपी, हैट टोपी, मैट चटाई, लैप गोद, यानी गोद में मेरे बच्चा है तो देयर इज ए चाइल्ड इन माई लैप। अगला कैप मैप, कैप मिस टोपी, मैप मिस नक्शा, पी ए डी पैड, पैड मिस
पैड मीन्स पैड, ठीक ना, गद्दीदार से अर्थ है पैड, जिसको आप दफ्ती भी कहते हैं, ठीक ना। चैट चैट, बैग टैग, गैग लाइग, ऐसे करके इन शब्दों का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। आप इसका अर्थ जानने के लिए नहीं इसको लिखे हैं, वो आपको दिया गया, आपको सिर्फ इसको पढ़ना है, उच्चारण करना है, फिर इसके बाद से ट्रांसलेशन में इन सारे शब्दों को दे दिया जाएगा। चलिए इस शब्द को BATTLE, बैटल कैटल रेटल स्लैक सैंड बैंड लैंड हैंड पैटर मैटर लेटर। अब देखिए यहाँ पे लेटर हो गया है, अब इसका यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकल रहा है, अब लेटर ही हो रहा है, ये निकल गया इसका अर्थ, ये इसमें से निकाल दिया जाए, लेटर नहीं लेटर। आगे समझिए, अब बारी आ गई, एक अर्थ निकलेगा आ से, अब क्या होगा, आस्क टास्क मास्क फास्ट, एक अब यहाँ पे अर्थ क्या बन रहा है, आ से, तो आस्क टास्क मास्क फास्ट वास्ट कास्क बार कार मार स्टार फार कार्ड बार्ड यार्ड बार्क लार्क मार्क शार्क कास्ट लास्ट मार्ट कार्ट डार्ट ग्लास। आ गया, आ ही है, क्लास ब्रास ग्रास फार्म चार्म हार्श सॉरी हाँ हार्श आर है हार्श मार्श बात पाथ वाट वांट वाक टाक माल्ट हाल्ट साल्ट बार्ड वास्प पास। अब क्या आ गया, आल बाल काल फाल टाल माल वाल, पढ़ लीजिएगा आगे, स्मार्ट बाल्ड बार्ड बार्ड ड्वार्फ ड्वार्फ वार वाच, ठीक है। तो आप इसको बार बार पढ़िएगा, बार बार पढ़ने के बाद से फिर इन शब्दों का उच्चारण आ जाएगा, तो ऐसे कर करके अगर शब्द मिलेंगे तो आप उन शब्दों का उच्चारण ऐसे कर लेंगे, तो ए का उच्चारण हो रहा है ए का, फिर से ए का ही उच्चारण हो रहा है आ का, तो ए का यहाँ पे डबल आपने उच्चारण देखा, फिर से वहीं पे देख लीजिए ए का उच्चारण ए हो गया, तो ए ए ए आ, अभी कितना बदलेगा वो अगली क्लास में फिर से देखा जाएगा। तो ये आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत से इसको लिखा गया है, ठीक है, आपको कुछ बताने के लिए कोशिश की जा रही है कि आप कुछ जान सकें, तो इसलिए हम कुछ क्लास ऐसे ही लाएंगे, 3-4 या 5 या जितना और बन जाए देखेंगे, मेहनत करेंगे, जितना बन जाएगा उतना मैं और लाऊंगा, और आप इसे लाभ लेने की कोशिश कीजिएगा, और आप लगे रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप लगे रहेंगे तो मैं आपके साथ हूँ, और यदि आप मेरे साथ हैं तो मैं गारंटी के साथ करूँ आपका विजय होगा। क्यों विजय होगा, क्योंकि मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, और मैं दिलो जहाँ से आपके लिए मेहनत करूँगा, आपका भविष्य यदि मैं उज्ज्वल बनाऊँगा तो आप जाहिर सी बात है मेरा ही वीडियो देखेंगे, मेरा ही क्लास अटेंड करेंगे, उसको उससे मेरा ही फायदा होगा, मुझे सब्सक्राइब करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना मिजाज बदलेंगे, पढ़ने के मिजाज में आइए, आप लाभ लेने के मूड में आइए, आपके लिए लाभ जरूरी है, ज्ञान जरूरी है। बिना इसके यदि आप चाहते हैं कि हाँ कोई शॉर्टकट ट्रिक अपना करके कोई कदम आगे बढ़ाएं और कामयाबी मिल जाए, तो इम्पॉसिबल है, याद रखिएगा। वो बाई लक से कोई पा जाए तो पा जाए, बाई लक कोई इसे कर ले, ठीक है, लेकिन इस करके पॉसिबल नहीं है। तो मैं इतना ही के साथ, अब अगले क्लास में फिर से मुलाकात होगी, चलिए चलते हैं, धन्यवाद।